दोस्तों बिहार में अन्य राज्यों के साथ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को बिहार में प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार से गुजरने वाले प्रमुख एक्सप्रेसवे होंगे। परंतु अब बिहार में एक ऐसी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंदर से एक्सप्रेसवे को पास किया जाएगा और यह बिहार की पहली ऐसी सुरंग होगी जो किसी एक्सप्रेसवे के ऊपर बनाई जाएगी। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि यह टनल बिहार में कहां, किस एक्सप्रेसवे पर और कितनी लंबी बनाई जाएगी। स्वागत है आप सभी का इंफ्राटेक की एक और लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो में मिली इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे को टनल के अंदर से पास किया जाएगा और बिहार में इस टनल को नेशनल हाईवे 2 के समांतर बनने वाले वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पर बिहार वाले अलाइनमेंट में कैमूर जिले पर बनाई जाएगी। इस टनल की पूरी लंबाई 4.75 किलोमीटर की होगी, परंतु इसके लिए 6 किलोमीटर के एरिया को कवर किया जाएगा। बिहार की इस टनल से 4 लेन की सड़क को पास किया जाएगा और इस टनल को बनाने के लिए 1,037 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में इस टनल के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC का इंतजार किया जा रहा है। NOC के मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए DPR रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी से कोलकाता तक बनने वाले इस 8 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 575 किलोमीटर की होगी, जिसको बनाने में 16,142 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाले इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत वाराणसी के पास चंदौली गांव से होगी। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे बिहार झारखंड होते हुए बंगाल में कोलकाता तक जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद वाराणसी से कोलकाता तक का सफर सिर्फ 6 से 7 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों बिहार में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की पूरी लंबाई 159 किलोमीटर की होगी और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार के द्वारा 1,757 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिसके अंतर्गत 78 किलोमीटर के वन क्षेत्र का हिस्सा भी शामिल होगा। बिहार में इस जमीन को खरीदने के लिए सरकार के द्वारा 1,925 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।